अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर के नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से यानी डॉक्टर नदीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और ये वीडियो स्पेशल जो लोग आजकल जो है, क्योंकि बकरा ईद है तो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है, तो उनके लिए जो आगाही मैसेज है, तो इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है इंशाल्लाह। इससे आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। सबसे पहले तो क्योंकि अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और आजकल पाकिस्तान में सही शदीद किस्म की गर्मी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप कोशिश करें कि जो है अपने आप को गर्मी से बचें, खासकर सुबह शाम के बाद में अपने जो भी रोज़मर्रा के मामलात हैं वो अंजाम दें, तो दिन के टाइम कोशिश करें कम से कम बाहर निकलें। और दूसरा, क्योंकि बकरा ईद है तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो है ना पेट भर के खाना ना खाएँ, बल्कि पेट में कुछ ना कुछ जगह रखें, जिसकी वजह से आजकल देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो है डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस और इस तरह की मैदे की बेताशा बीमारियां हैं, जो कि ज़्यादा खाने की वजह से बदहजमी भी जिनमें शामिल है वो हो रही हैं। तो इसलिए इस तरह की जो है बीमारी से बचने के लिए आप कोशिश करें, तो एक तो मैनर अभी का जो है ना इख्तियार करें, यानी बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएँ, और दूसरा गोश्त का जो है इस्तेमाल है वो वक्त वक्त से करें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा या हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ताकि आप जो है ये जो डायरिया, मोशन, वोमिटिंग, इस तरह की जो बीमारियां भी जो कि बकरीद के बाद ज़्यादा हो जाती हैं लोगों में, उनसे आप बच सकें। तो ये आप इस्तेमाल कर, इसमें साथ आप जिन पेशेंट को एसिडिटी वगैरह है या फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्राइटिस या और मैदे की कोई सोजिश वगैरह या अल्सर है, तो वो कोशिश करें कि जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जो भी जो है इस तरह की अशिया हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, साथ गोश्त का कम इस्तेमाल करें, और साथ जो है आप कोशिश करें कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो अपने साथ राइजिक, इंस्टा के कैप्सूल और साशे वगैरह या इनो के या सेटोसोडा के साशे वगैरह हाँ अपने पास रखें, ताकि वक्त की ज़रूरत या इमरजेंसी में वो इनको इस्तेमाल कर सकें, ताकि आप मजीद किसी पेचीदगी से बच सकें। क्योंकि इन दिनों में ईद की क्योंकि 3 दिन छुट्टियाँ होती हैं, तो आपको पता है डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ये हॉस्पिटल्स में तकरीबन डॉक्टर भी छुट्टी पर होते हैं, मासा इमरजेंसी के आपको डॉक्टर भी अवेल नहीं होता, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशानी और पेचीदगी से बचने के लिए आप मियाना रवि और इतदाल इख्तियार करें, और अपना जो है खाना है वो पेट भर के ना खाएं, बल्कि पेट में कुछ ना कुछ गुंजाइश रखें, और साथ कोल्ड ड्रिंक और या मशरूबात वगैरह इनका जो है कोल्ड ड्रिंक का खासकर आप ज़्यादा परहेज़ करें। बाकी इसके अलावा अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप लीमू पानी या सादा पानी का रूटीन से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी में पानी की और निमकियात की कमी हो जाती है गर्मी की वजह से, तो आप कोशिश करें सादा पानी या लीमू पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें बनस्पत के कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करने से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ये स्पेशल ईद के लिए थी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो मिल सके। तो अपना और अपने अजीज का ख्याल रखें, भाई को दें दुआ में याद। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से पाकिस्तान के और अहले इस्लाम के तमाम लोगों को ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।